सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 10 वचन 9 से। रोमियो की पत्री अध्याय दस वचन 9 से आइए देखते हैं। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि यहाँ प्रभु का दास जो प्रेरित पौलुस से वह हमसे कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, कहता है अगर तुम यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अगर तू यीशु को प्रभु जानता है और जानकर अंगीकार करता है, और वचन कहता है कि यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है। वचन कहता है कि यदि यीशु को अपना प्रभु जाने और अपने मन में इस बात का विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, कहता है यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और साथ ही अपने मन में विश्वास करे, इस बात का विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिंदा किया है। अगर इस बात का विश्वास करे, वचन कहता है कि अगर इस बात का विश्वास करते हो तो अवश्य है, शीघ्र है, निश्चय है कि तुम उद्धार को पाओगे। कहता है कि अगर यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे तो मरे हुए में से जिलाया है, तो वचन कहता है कि अवश्य है कि तू उद्धार पाएगा। इसलिए पाएगा क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। कहता है धार्मिकता को पाने के लिए अर्थात पवित्र बनने के लिए, धर्मी बनने के लिए क्या करना होता है कि मन से विश्वास किया जाता है। अगर उसकी दृष्टि में धर्मी बनना है, उसके दृष्टि में पवित्र बनना, उसके लायक बनना है, तो उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति को वह धर्मी बनाने वाला है। इसीलिए वचन कहता है कि अगर तुम्हें धर्मी बनना है, धार्मिकता को ग्रहण करना है, तो कहता है उसके ऊपर मन में विश्वास करो, उसे प्रभु जानकर अंगीकार करो और अपने मन में इस बात का विश्वास करो कि परमेश्वर ने यीशु को हमारे लिए भेजा, हमारे लिए वह इस संसार में भेजा, वह हमारे लिए मरा, वह हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए जिंदा हुआ। कहता है अगर इस बात के ऊपर विश्वास करेगा तो अवश्य है कि तू उद्धार को पाएगा। इसीलिए वचन कहता है कि धार्मिकता के लिए मन में तो विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है।
कहता अगर तुम्हें उद्धार पाना है तो अपने मुंह से क्या कर, अंगीकार कर। कहता है मुंह से अंगीकार कर कि यीशु ही हमारा प्रभु है, यीशु ही हमारा उद्धार करने वाला है, यीशु ही है हमें जो पापों से छुटकारा देने वाला, यीशु है जो हमें तमाम बीमारियों से चंगा करने वाला। कहता है मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्यों? क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है या बाइबल कहता है कि बाइबल के वचन कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करने वाला जितना होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो कोई व्यक्ति यीशु के ऊपर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा, वह निराश नहीं होगा, वह उदास नहीं होगा। क्योंकि जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वह लज्जित नहीं होता, वह निराश नहीं होता, वह उदास नहीं होता। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, पूरे संसार के अंदर हर एक मनुष्य को तीन चीजों की आवश्यकता होती है, एक चंगाई की, दूसरा छुटकारा की और तीसरा उद्धार की। क्योंकि इन तीन चीजों के लिए इंसान जो है कि पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर रहा है लेकिन कहीं मिलती नहीं सिवा यीशु मसीह के। तो जो कोई यीशु मसीह के पास आता है खोजने के लिए उसे मिल जाता है, अर्थात यीशु को छोड़कर इस संसार के किसी भी कोने में खोजता है ना ही चंगाई मिलती है, ना ही छुटकारा मिलता है, ना ही उद्धार मिलता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, जो कोई व्यक्ति बीमारी से चंगा होना चाहता है वह यीशु के ऊपर विश्वास करे। जो कोई व्यक्ति शैतान के बंधन से छुटकारा पाना चाहता है यीशु के ऊपर विश्वास करे। जो कोई व्यक्ति अपने पापों से छुटकारा पाना चाहता है, स्वर्ग में जाना चाहता है, यीशु के ऊपर विश्वास करें। अवश्य है कि उसे चंगाई, छुटकारा, उद्धार सब मिलेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद बीमा करता है सुराजा। तेरे नाम में प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग प्रार्थना के सुनने वाले हर एक के जीवन में प्रभु अद्भुत चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, हाँ मेरे प्रभु, आज हर एक के जीवन में महिमा की आशीष बरसने पाए। हे परमेश्वर, जितने लोग हे परमेश्वर प्रार्थना सुन रहे हैं, इनके द्वारा जो पाप जो गुनाह हुआ है प्रभु, हर पाप हर गुनाह को क्षमा कर। हे मेरे महान परमेश्वर, इनके सारे पाप सारे गुनाहों को क्षमा कर। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते इन्हें पापों से मुक्त करके शुद्ध और पवित्र कर दे मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते कि पिता इन्हें आशीषों में भर दे, ताकि इनके द्वारा दोबारा कोई पाप कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप हर गुनाह से इन्हें बचा कर, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा गया जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। हे परमेश्वर, ये सब तेरे विश्वास, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में भारी चमत्कार होने दे मेरे महान परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता इन सबके शरीर के अंदर, घर परिवार के अंदर जो भी समस्या है वह सारी समस्याएं यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रार्थना करते जितने लोग बीमार है प्रभु, उनकी बीमारी चली जाए। हे परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियां चली जाए, सर में दर्द हो निकल जाए, बदन में दर्द हो निकल जाए, आंखों में तकलीफ हो निकल जाए, कान में तकलीफ हो निकल जाए, नाक में तकलीफ हो निकल जाए, दांत में हो, गले में हो, सीने में हो, पेट में हो, नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कमर में दर्द, घुटने में दर्द नष्ट हो जाए, हड्डी हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें निकल जाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते कि इनके शरीर से हर प्रकार के दुख दर्द पीड़ाएं बिल्कुल खत्म होने पाए, हर दुष्ट शक्तियां इनके जीवन से बाहर निकलने पाए। ओ महान परमेश्वर, इनके शरीर में जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, बिल्कुल बाहर निकले, हड्डी हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें निकल जाए, एचआईवी हर्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया नष्ट हो जाए, कैंसर की बीमारी निकल जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता जिसके पास कोई संतान नहीं, संतान होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हर प्रकार की तकलीफों से छुटकारा दे प्रभु, अपने लहू से धो धो कर इन्हें शुद्ध और पवित्र कर मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, जितने हे परमेश्वर नौकरी की तलाश में नौकरी देकर आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, जो जीवन के लक्ष्य की तलाश में लक्ष्य की आशीष दे, ताकि वह फलवंत होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता जितने सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे,
ताकि वह सेवा में आगे बढ़े। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे महिमा से भरे हुए प्रभु, अपनी महिमा की आशीष हरि के ऊपर आने दे। हे परमेश्वर, अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हरि के ऊपर आने दे, और एक के ऊपर पवित्र आत्मा आने दे। ओ पवित्र आत्मा रिको सुले रेखा बा संदूल रिवा सखला बा सिंधे ली रिवा बा 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 अबला बा सबला बा सखरा बा सिंधे शबरा बा हो री होली 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 होली। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता विता स्वर्ग की महिमा हे परमेश्वर आज इनके जीवन में उतरने दे, ताकि इनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे अनुग्रह करने वाले प्रभु, हर एक के ऊपर अपनी महिमा अपनी सामर्थ बरसा, ताकि हर कोई चंगाई पाए, हर कोई चंगाई पाए, हर कोई चंगाई पाए। ओ महान परमेश्वर, हरि को छू और हरि को चंगा होने दे, हर एक को छू और हरि को चंगा हो। जितने लोगों के शरीर के अंदर चमड़े का रोग है, खाज खुजलिया, दाग धब्बे है, आज प्रभु हर एक ऐसी बीमारी से जकड़े हुए लोगों को छू रहा है, और आज से बीमारियां उनके शरीर से जा रही है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हरि को छू और हरि को चंगा होने दे, हर एक को छू और हरि को चंगा होने दे। जितने भी लोगों के नाम यन और आर अक्षर से है, यन अंग्रेजी का यन और आर अक्षर से जिनके नाम की शुरुआत है, अभी प्रभु उनके जीवन में आशीष दे रहा है, और उनके जीवन में जितनी मुश्किलें हैं वह नष्ट होने जा रही है। हाँ मेरे प्रभु, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में महिमा की आशीष बरसा, ताकि हर कोई चंगा होने पाए। जितने लोगों के शरीर के अंदर बुखार है, आशीष को रिसीव करो, क्योंकि उन्हें प्रभु छू रहा है और उनके शरीर से बुखार निकल रहा है, बुखार निकल रहा है, बुखार निकल रहा है। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक को छू ले और चंगा होने दे। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता पिता, हर एक के ऊपर अपनी दया दृष्टि डाल, ताकि जितने दर्द से पीड़ित है, दर्द वाले जितने हैं, जितने लोगों के शरीर के अंदर दर्द है, अभी प्रभु यीशु उन्हें छू रहा है और उनके शरीर से दर्द जा रहा है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके जीवन के हर क्षेत्र पे आशीष दे, इनके घर पे आशीष दे, इनके परिवार पे आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इनके जिले के ऊपर आशीष दे, जिस प्रांत से ये लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं उस प्रांत पे आशीष दे, इस पूरे भारत देश के ऊपर आशीष दे, भारत देश के अलावा इस संसार में जितने भी देश है हर देशों के ऊपर आशीष दे, हर देश के अंदर रहने वाले सारे जन के ऊपर आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर, जो जहां से तेरी प्रार्थना को रिसीव कर रहा है वहां उनके जीवन में, उनके घर में, परिवार में, नगर में, क्षेत्र में तेरी आशीष फैलने पाए। हाँ मेरे प्रभु, प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ हर के साथ, तेरा हाथ हर के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर को आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या दसवां अंश देना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा, और हमारा अकाउंट नंबर है 4-3-5-7-0-2-0-1-0-0-8-9-7-3-3, और IFC कोड है UBIN 0-5-4-3-5-7-8, और बैंक का नाम है यूनियन बैंक, और ब्रांच है पतरही जौनपुर UP, या फोन पे या गूगल पे के द्वारा। अपना दान या दसवां अंश देना चाहते हैं तो फोन पे नंबर है 8-7-9-5-1-3-0-3-2-1 पर। अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, और बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा, और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।